245 जे स्क्रीच मावदार एक्सेल नीचे पायदान कुछ किसान भाइयों का कहना है कि मैसी 245 जो नीचे पायदान में है ये भी मल्टी स्पीड पीटीओ होना चाहिए, भले चाहे चार गियर का हो, ये मल्टी स्पीड। कई बार ऐसा ना घर पे अगर लाइट चली जाए, जो 2 किलोवाट का जो अल्टरनेटर है छोटे वाला, तो उसे किसान ले लें और अपना इस पे लगावे और उसका टॉप गियर लगा दे और वो सिलो पे ही पानी 10 मिनट चला कर टंकी भर लें, या कोई छोटा समरसेबिल है, क्योंकि बड़े समरसेबिल पे तो छोटा गियर लगाया जाएगा और जहाँ अल्टरनेटर छोटे होंगे लोड कम पड़ेगा, वहाँ गियर की स्पीड बढ़ा दो तो डीजल कम खाएगा। तो मेरे कुछ किसान भाइयों का कहना है, कमेंट आए हैं उनके, पुनिया जी कंपनी को कहो कि घुमावदार एक्सेल नीचे पायदान वाला भी मल्टी स्पीड पीटीओ में आना चाहिए। अच्छा, एक बात और मुझे महसूस हुई कि जो 241 हमने लिया है, भाई को दिया है, उसकी पहले का हाई में स्पीड तेज है और हमारा जो मैसी 245 है चार गियर वाला, इसकी स्पीड कुछ कम है। तो अच्छा तो यही रहेगा 5 गियर वाला ही बना दे, या पहले गियर में इसकी भी थोड़ी चाल बढ़ा दी जाए ताकि ये अच्छा काम करे, भाग बढ़े इसकी, क्योंकि इंजन में ताकत बहुत है लेकिन हैरो टीलर पर चलने की स्पीड कुछ कम है, दूसरे गियर में ज़्यादा हो जाए स्पीड, दूसरे घाई में ज़्यादा भागता है, पहले में थोड़ी घटती है, इसलिए थोड़ी इसकी स्पीड भी बढ़ाई जाए। मेरी बात आपको अच्छी लगी होगी भाई, जैसे 241 है नीचे पायदान का चार गियर का, इसमें भी मल्टी स्पीड पीटीओ दी जाए, क्योंकि किसान जो हैं ज़्यादातर हमारे हरियाणा में नीचे पायदान को ही पसंद करते हैं। इसमें ऑयल ब्रेक दिए जाएं नीचे पायदान में भी, देखो ऑयल ब्रेक का दिया है पिछला हिस्सा इसका, कर दिया गया ऑयल ब्रेक का, ज़्यादातर ऑयल ब्रेक की देने शुरू कर दिए हैं कंपनी ने। और अगर ऐसा हो सके जो नीचे पायदान के हम जैसे किसानों के पास ट्रैक्टर हैं, वे अभी ज़्यादा नहीं चल पाए, बेचेंगे तो नुकसान रहेगा किसानों को, उसमें भी मल्टी स्पीड पीटीओ वाला फिटिंग हो जाए तो अच्छा है, ज़्यादा ना लग के कुछ ऐसा लग के अगर वे भी हो जाएँ, चेंज हो जाएँ चार गियर वाले भी, तो बहुत बढ़िया रहेगा। नहीं तो नीचे पायदान वालों को भी मल्टी स्पीड में दिया जाए, किसानों की मांग है। मेरी बात किसान भाइयों आपको अच्छी लगी हो तो ज़रूर कमेंट करना, लाइक करना। नमस्कार।